हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन का कुछ प्रश्न, यानी कि सरलीकरण का, जो बार बार आपका पेपर में रिपीट होता है और आप उस टाइप के प्रश्न को देख के हमेशा उलझ जाते होंगे, यानी कि छोड़ भी देते होंगे पेपर में। इसलिए इस प्रश्न को चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और आपको देखने में प्रश्न बड़ा लगेगा लेकिन आप आसानी से इसको आप सेकंडों में बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिया गया है कैसे, 1/2 गुने कितना दिया गया है 5, प्लस है 1/5 गुने 8, प्लस है 1/8 गुने कितना 11। इसी तरह से आपको एक सीरीज में यहां तक दिया गया है 1/26 गुने कितना है 29 है, एक सीरीज में ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करते हैं, जो लोग नहीं जानते सबके इंटू कर करके बनाना शुरू कर देता है लोग। लेकिन आपको कैसे बनाना है, योग इक्वल टू एक ट्रिक्स आपको याद रखना है या कॉन्सेप्ट ही समझिए, तो आप आसानी से बना सकते हैं। योग यानी क्या करना है, सम। ठीक है, भिन्न के जोड़, तो क्या करना है, एल माइनस एस। अब एल क्या होता है, एस क्या होता है, सो भी समझ लीजिए। तो एल जो होगा इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड होगा, लार्जेस्ट जो फैक्टर होगा उसी को हम लोग एल से डिनोट करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा फैक्टर है आपका, 29 है। एस क्या है आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। बटा में याद रखना है डी एल एस। ठीक है, डी के मतलब अब क्या हो गया, तो डी के दो गो के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग डी से डिनोट किए, डिफरेंस। यानी देखिए दोनों अंतर जिसको, तब 5 में से अगर 2 माइनस कीजिएगा कितना आएगा 3, इसी तरह से 8 में से अगर 5 माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 3, 11 में से अगर 8 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आपका 3, इसी तरह से 14 में से 11 माइनस कीजिएगा कितना आएगा 3। ठीक है, यही सब में डिफरेंस जो होगा तो कितना का है आपका, 3 का है हर जगह। ठीक है, यहाँ तक भी अगर आप देखते हैं तो 29 में से अगर 26 के अगर माइनस करते हैं तो कितना आपका डिफरेंस चला गया, 3। तो ध्यान रखना है कैसे हम लोग योग इक्वल टू इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक बार और बोल देते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर यानी सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ा कौन हो गया आपका 29। अब सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा हो जाएगा आपका 2। डी क्या हो गया, तो अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। एल और एस के मतलब समझ गए, बस अब इसको आप सेकंडों में, जब इतना समझ गए तो कुछ करना ही नहीं, आप सेकंडों में बना सकते हैं। कैसे, अब देखिए, तो सबसे बड़ा फैक्टर कितना है 29, सबसे छोटा क्या है आपका फैक्टर, तो 2 होगा ना, सबसे बड़ा 29, सबसे छोटा 2। ठीक है, अब डी क्या हो जाएगा हम लोग का, तो अंतर कितना है 3, इंटू कीजिएगा एल हो जाएगा कितना आपका 29। ठीक है, और इसी तरह से एस कितना होगा, 2 होगा, जो ऊपर वाला होगा, ये तो बस यही समझ जाना है। अब देखिए इसको अगर माइनस कर दीजिए तो यहाँ 29 में से अगर 2 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 27, यही लिख देते हैं हम 27। ठीक है, अब कैंसिल आउट कीजिए, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, 9 × 3 = 27। ठीक है, अब तो कैंसिल आउट होगा नहीं, यही चलेगा, 9 / कितना हो जाएगा 29, 2 × कितना हो जाएगा 58, यानी 58। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी नंबर। तो मेरे ख्याल से आप यहां तक समझ गए, लेकिन इसी टाइप के प्रश्न में आपको और घुमा के पूछा जाता है, जिसमें आप हमेशा उलझ जाते होंगे कि कैसे बनाए। ठीक है, उस प्रश्न को हम लोग भी देखेंगे, तो चलिए मेरे साथ बने हुए रहिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जिसमें आप हमेशा उलझ जाते होंगे। इस प्रश्न को देखिए, इस बार थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को, कैसे घुमाया सो देखिए। इस बार दे दिया है 1/2 प्लस कितना 1/6 प्लस 1/12, इसी तरह से आप देखिएगा प्लस करते करते लास्ट में कितना दे दिया है, प्लस है 1/ कितना है 72। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो लोग अगर नहीं समझेगा वो क्या करेगा, सबसे पहले सबका एलसीएम लेगा और फिर करेगा, तो पेपर में कभी भी उस टाइप से आप नहीं बना पाइएगा। तो समझिए क्या क्या है इस प्रश्न को, इसको इस तरीका से भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 1 × कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना। इसी तरह से आगे देखिए, जो पहले वाला प्रश्न बना है उसी पैटर्न पे ए भी है, 2 × कितना लिख सकते हैं, 3। सिर्फ आपको घुमा दिया है, इसी तरह से देखिए आगे भी लिखते तो कितना हो जाता है आपको, 12 लाना है, तो 3 × कितना लिख सकते हैं, 4। इसी तरह से आप समझिए, अगर लास्ट वाला के भी लिखने के लिए रहे तो कितना लिख सकते हैं, 8 × 9।
होगा ना, बीच में वाला इसलिए डॉट डॉट कर दिए कि सब में इसी तरीका से लिख सकते हैं। यहाँ चार गुने कितना लिख सकते हैं, पाँच। यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाँच गुने छः लिख सकते हैं। यहाँ छः गुने सात लिख सकते हैं। यहाँ सात गुने कितना लिख सकते हैं, आठ लिख सकते हैं। और यहाँ कितना लिख सकते हैं, आठ इंटू कितना लिख सकते हैं, नौ लिख सकते हैं। तो इस टाइप अब चलाया हम लोग का वाला सीरीज जो पहले इससे पहले था। तो इस टाइप के प्रश्न में जब भी पेपर में पूछता है तो इसी पैटर्न पे पूछता है, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो योग इक्वल टू अगर आपको याद होगा तो क्या है, एल माइनस एस बटा में क्या करेंगे हम लोग, डी एल एस, ठीक है। या इसको इस तरीका से कर लीजिए तो क्या कीजिएगा, तो सबसे बड़ा गुणनखंड, तो सबसे बड़ा कितना हो गया, नौ, और सबसे छोटा क्या हो गया आपका, वन, ठीक है। तो नौ में से कितना है? एक अगर माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा आपका, आठ। इसी तरह से अब देखिए यहाँ अंतर देखिए तो कितना का अंतर है, डिफरेंस कितना का है, एक का है, हर जगह है। यहाँ भी देखिए डिफरेंस कितना का आएगा, तो वन का ही आएगा सब जगह। तब देखिए तो इसमें क्या कर दीजिएगा, तो यहाँ d के जगह पर वन होगा। अब इसमें से इंटू कर दीजिए तो इंटू कीजिएगा तो l सबसे बड़ा कितना था आपका, नौ, और सबसे छोटा क्या था, तो सबसे छोटा कितना था, वन था, तो वन लिख लिए। यही चलाएगा नौ आठ बटा कितना चलाएगा, नौ, ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप ऐसे सेकंडों में बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां तक आप समझ गए। तो चलिए और ही इससे अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें आप उलझते होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को देखिए एक बार, सबसे पहले बारीकी से आप देखिए इस प्रश्न को। दिया गया है d का पावर दिया गया है s प्लस t है, ठीक है, भागा है, डिवाइड है, d के पावर क्या है, s है, ब्रैकेट में बंद है, ठीक है, भागा फिर d के पावर क्या है, t का मान क्या होगा, आपको वैल्यू बताना है, ठीक है, ऑप्शन भी है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला के हम लोग की क्रिया करेंगे, ठीक है। और ये भी आप जानते होंगे कि ये भी अगर दोनों का बेस अगर समान हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहेंगे। डी को क्या आप जानते हैं पहले से, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पावर कहते हैं, आप ये भी जान रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का अगर बेस अगर समान हो और डिवाइड में हो यानी कि भागा में हो, तो पावर को क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर लेते हैं, और गुना में रहता तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब देखिए यहाँ भाग में है तो दोनों के पावर को क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, क्योंकि बेस इसका भी डी है और बेस इसका भी डी है, तो पावर के क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो लिख सकते हैं इसको डी के पावर कितना, एस प्लस क्या होगा आपका, टी, और माइनस क्या हो जाएगा, एस, होगा ना। अब देखिए समझिए, एक लाइन एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम लोग समझने के लिए। ई क्या है आपका, टी है, डी के पावर टी है। अब देखिए एस यहाँ प्लस में है, यहाँ क्या में है, माइनस में, तो इससे ई कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना। अब कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, डी के पावर अब कितना होगा यार, टी, ठीक है। अब इसको आप जानते हैं जब डिवाइड में है तो इसको इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर माइनस इस तरीका से कीजिएगा तो लिख सकते हैं बटा में एक बटा कितना लिख सकते हैं, डी के पावर कितना लिख सकते हैं आप, टी, ठीक है। अब देखिए इससे ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो हम लोग के आंसर जो आएगा से कितना चलाएगा, एक। ऐसा आप मत कीजिएगा कि जब चलाए तो इसको क्या कीजिएगा, आप माइनस भी कर सकते थे। यहाँ तक आप समझ गए, इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या आप इस तरीका से आप समझ लीजिए कि डी के पावर कितना बच गया, टी, ठीक है, टी बचा, और यहाँ भागा है आपका डी के पावर कितना है, टी, यहाँ भी, तो दोनों के क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा पावर के, तो पावर के जब माइनस कीजिएगा तो डी के इसकी क्या हो जाएगा, टी, और माइनस कितना आ गया हम लोग का, टी, इस तरीका से, ठीक है। अब जब कीजिएगा तो डी के पावर अब कितना चलाएगा, जीरो, और डी के पावर अगर कोई भी संख्या के अगर पावर जीरो चलाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है, आप पहले से भी जानते हैं। जैसे इस तरीका से भी आ जाता है, अगर सौ है इसका पावर जीरो तो इसका वैल्यू कितना इक्वल टू होता है, वन इक्वल टू कितना आएगा, वन, यानी कि जिसका पावर अगर इसका, तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ यही आपको बताएं कि इससे इसको कैंसिल आउट भी कर दीजिएगा, होता है कैंसिल आउट ना, जैसे आपको इस तरीका से दे दे दो भागा, इस तरह से दो दे दे, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरीका से गुने एक बटा कितना लिख सकते हैं, दो, तो दो से दो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा वन। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगर डाउट लगे तो क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्नों को।
इस प्रश्न को आप देखिए, इसको भी एक बार बारीकी से आप देखिए। दिया गया है यदि 3/4 का पावर कितना है, इसका 3 है, यहाँ 4/3 है, इसका पावर कितना दिया गया है, माइनस कितना है 7 है, इक्वल टू 3/4 है, इसका पावर कितना है 2x है। तो आपको वैल्यू जो बताना है उसका किसका निकालना है, x का आपको मान निकालना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आप समझिए। अब यहाँ अगर माइनस में दे दे तो इसको क्या करते हैं हम लोग, पलट देते हैं, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि x के पावर मान लेते हैं कि 1 रहता तो इसको हम लोग लिख सकते थे 1/ कितना लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे पहले से भी। इसी तरह से 4/3 है, इसका पावर कितना आपका है, तो माइनस कितना दिया गया 7। अब इसको अगर इस तरीका से लिखिएगा तो 1 लिख दीजिएगा ऊपर, और फिर कितना लिखिएगा 4/3 लिखिएगा, इसका पावर इस तरीका से, ठीक है। अब देखिए तो यही क्या होगा, इसका कितना हो जाएगा 7। अब यही चल जाएगा, कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जब चल जाएगा तो यही कितना हो जाएगा आपका 3/ कितना हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस के लिए आपको बताएं, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो इस यहाँ तक इसको इस तरीका से लिखिए, 3/4 है, इसका पावर कितना हो गया 3, और माइनस से प्लस में करने के लिए क्या हो जाएगा, 3/ क्या हो जाएगा 4, ये कितना हो गया आपका 7। इसी तरह से समझते चलिए, 3/ कितना है 4, और इसका पावर कितना दे दिया गया है 2x। अब देखिए आप समझिए, इस तरफ जो है सो गुना में है, दोनों क्या है, इसका मतलब बीच में क्या का चिन्ह है, इनटू है, और जब इनटू गुना में जब रहता है तो दोनों के पावर अगर बेस समान हो जाए तो पावर के क्या करते हैं हम लोग, जोड़ लेते हैं, और भागा में रहता है, डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, घटा लेते हैं। तो दोनों के अगर पावर जोड़ दीजिए तो 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, ठीक है 10। और इस तरफ भी देखिए पावर क्या है आपका 3/4 है, तो इसका इसकी इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं 2x, ठीक है। इसका आप कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग को जब इस टाइप के प्रश्न मिले तो इसको जोड़ लेंगे, ठीक है, और सबके इसका बेस छोड़ देंगे और सिर्फ पावर के हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू वैल्यू जो चलाएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना चलाया हम लोग का 5, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अगर कहीं भी डाउट लगे तो इसका प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं, घातांक और करनी के आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।